आपको इस वक्त असम की लोकल टीवी चैनल में स्वागत है। मैं इस वक्त गुवाहाटी के सीसीआरटी कैंप में खड़ा हूं। यहां पे मुझे एक कश्मीरी भाई मिले, इनसे ज़रा बात कर लेते हैं कि इनको असम कैसा लगा। आपका नाम सर जी? मेरा नाम शकील हुसैन शबीर है। आप कहां से आए हो? मैं जम्मू कश्मीर से आया हूं। आप यहां किस लिए आए हो? मैं यहाँ सीसीआरटी ट्रेनिंग के लिए 10 दिन का कोर्स करने आया हूँ। अच्छा सर, तो आपको असम कैसे लगा? असम बहुत खूबसूरत है, बहुत अच्छा है और लोग बहुत मीठे हैं। मीठे खूबसूरत हमें लगा। अच्छा सर, ये जो आपके हाथ में गिलहरी है, ये आपने बच्चे के लिए खरीदा, मार्केट से खरीदा? नहीं, ये हमने खरीदा नहीं, ये हमें सीसीआरटी पे 5 मिनट में सिखाया गया और 5 मिनट सिखाने के बाद मैंने ये खुद बनाया है। ये आपने खुद बनाया? वाह, ये तो बढ़िया है। ये आपने खुद बनाया? खुद बनाया इसी सीसीआरटी कैंप में। सीसीआरटी कैंप में ये आपका जो इसमें जो मटेरियल लगा ना, वो कितने में खरीदा? वो हमने खरीदा नहीं, बल्कि जो जो कपड़ा हमारा बचता है इसको हम अक्सर फेंकते हैं रास्ते में, तो उसी कपड़े को इस्तेमाल में करके इसको बनाया जा सकता है। यानी आपके कहने का मतलब है कि ये मटेरियल आपने खरीदा नहीं, ये घर में जो बचा कपड़ा, पुराना कपड़ा फट के हम फेंकते हैं, उसका कपड़ा लिया है आपने, लो कास्ट मटेरियल से आपने इसको तैयार किया? लो कास्ट से नहीं, बल्कि नो कास्ट से जो कपड़ा बचा, जो हमें फेंकना था, वो हमने इसमें लगा लिया। यानी ये तो एक अच्छी खासी इंडस्ट्री चल सकती है इस तरह से। हाँ, यहाँ असम के लोग जो हैं, आपके 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 गुवाहाटी में यहाँ हैंडीक्राफ्ट के साथ जो रिलेटेड लोग हैं, वो ये लोग बेचते हैं यहाँ, बहुत बढ़िया बनाते हैं, वो खूबसूरत बनाते हैं, तो माहिर हैं। हमने तो पहला बनाया है, लेकिन मुझे बहुत प्यारा लग रहा है। मुझे लगता है कम से कम तो 15-20 रुपये, 25 रुपये में तो ये बिक सकता है आराम से। मुझे लगता है कि आसाम की यहाँ गुवाहाटी की मार्केट में ये 30 रुपये तक मिल जाएगा। ठीक है, आप इस चीज़ को, इस इंडस्ट्री को, इस क्राफ्ट्स को इम्प्रूव करने के लिए अपने यूथ, जो हमारा यूथ आ रहा है पढ़ लिख के, बड़ा बड़ा PhD करता है, MSc करता है और बड़ी बड़ी डिग्रियां करता है, तो उनके लिए बाद में गवर्नमेंट जॉब नहीं होता है, वो घर में परेशान रहता है, सुसाइड करने की कोशिश करता है, उनके लिए इसमें क्या रेवेन्यू है, क्या मैसेज है? मैसेज यही है कि बच्चे जो हैं जो एक्स्ट्रा टाइम को बताते हैं, जो वो गलत राहों पे चलते हैं, उससे बेहतर यही है कि वो इन कामों में लग जाएं, एक तो उनका टाइम जो है बीत जाएगा, दूसरा ये है कि उनकी इकॉनमी बढ़ेगी। इसका मतलब है कि मैं तमाम सामीन को, देखने वालों को ये बताना चाहूँगा कि एक कश्मीर से एक भाई यहाँ पे आए, जो इस फन के बारे में कुछ भी नहीं जानते थे, 5 मिनट में इसने यहाँ पे थोड़ी सी छोटी मोटी ट्रेनिंग्स ले ली और इसने नो कास्ट मटेरियल से इतनी बड़ी अच्छी प्यारी गिलहरी बना ली, जो 25-30 रुपये में बिक सकती है। अगर इस तरह का हमारा जवान इस तरफ हो जाता है, तो हमारी तो एम्प्लॉयमेंट का मसला बहुत हद तक ख़त्म हो सकता है। गुवाहाटी वासियों का बड़ा शुक्रगुजार रहूँगा, इन्होंने मुझे ये 5 मिनट में सिखाया, सिर्फ 5 मिनट हमें लगे सीखने में, और 5 मिनट के बाद मुझे इसको कम से कम आधा घंटा लगा बनाने में पहली बार, लेकिन मुझे लगता है कि आइंदा जब भी मैं बनाऊँगा मुझे भी 10-15 मिनट लग जाएंगे। शुक्रिया आपका। मैं चाहूँगा कि आप हमारी चैनल के लिए क्या कहना चाहेंगे? और मैं आपकी चैनल की वसादत से पूरे गुवाहाटी वासियों को, पूरे आसाम वासियों को धन्यवाद कहना चाहता हूँ, शुक्रिया कहना चाहता हूँ कि उन्होंने हमें इतना ऐसा फन सिखाया, हुनर सिखाया। एक तो यहाँ के लोग बहुत मीठे हैं, बहुत प्यारे तो है ही है, मीठे हैं, और दूसरा ये कि मैं इस मैडम का भी शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, जिस मैडम ने हमें ये सिखाया। ये आज से मेरी मास्टर होगी, ये मेरी उस्ताद है और मैं इसका शिष्य। शुक्रिया। तो मैं चाहूँगा कि ये प्रोग्राम ख़त्म करने के बाद आप हमारे स्टूडियो के बाहर आकर हमारे साथ असम की बेहतरीन चाय का एक कप पी लें। शुक्रिया। थैंक यू। शुक्रिया।